जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार एवं DPSP में अंतर स्पष्ट करते हुए इनके बीच संघर्ष के बिंदु की व्याख्या करेंगे। दोस्तों ये 67th BPSC एंड CDPO मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कभी कभी पूछ दिया जाता है, मौलिक अधिकार DPSP में अंतर स्पष्ट करने के लिए तथा इनके बीच जो टकराव के बिंदु है उसको स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आंसर इसका हम देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ आंसर, संविधान के निर्माणकर्ता ने हमारे देश के नागरिकों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार हेतु संविधान में दो मजबूत हथियार के रूप में एक नीति निर्देशक सिद्धांत और दूसरा मौलिक अधिकार को दिया है, परंतु दोनों ही कार्य की प्रवृत्ति अलग अलग है, जिसके बारे में हम निम्न आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात जो मौलिक अधिकार और DPSP है उसमें काफ़ी कुछ अंतर है जिसको हम नीचे कॉलम वाइज स्पष्ट किए हैं। देख सकते हैं मौलिक अधिकार का जो फर्स्ट जो है कहता है कि यह वाद्य योग्य है, इसके हनन पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। वही DPSP को अगर देखा जाए तो यह वाद्य योग्य नहीं है, यानी अर्थात हम DPSP के अगर बाधित होने से हम न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरा है कि यह नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है, वहीं DPSP यह राज्य के लोगों के सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तीसरा यह नकारात्मक प्रकृति का है, और DPSP में देखा जाए तो यह राज्य के लिए सकारात्मक प्रकृति का है। चौथा यह व्यक्ति विकास के लिए है, परंतु DPSP जो है यह पूरे समाज के नागरिकों के लिए है। उपयुक्त अंतर से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार केंद्र द्वारा बनाए गए विधि पर निर्भर करता है एवं DPSP राज्यों को अपनी भौगोलिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप नियम बनाने के लिए प्रेरित करता है। संविधान के लागू होने तक किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि मौलिक अधिकार एवं DPSP में नागरिकों के अधिकार को लेकर टकराव उत्पन्न होगा, परंतु समय के साथ बदलती सामाजिक व राजनीतिक प्रवृत्ति ने यह आशंका को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मौलिक अधिकार एवं DPSP में टकराव के इतिहास को हम निम्न कालक्रम एवं विधि व्याख्या के न्याय व्याख्या जो है उसके अनुसार समझ सकते हैं। पहला देख सकते हैं कि चंपकम दो राय राजन बनाम मद्रास राज, इसमें एक महिला के अधिकार को मजबूत बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने DPSP को कमजोर दिखाया, परंतु न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। फलस्वरूप 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 31 क ख जोड़ा गया, साथ ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें DPSP को मजबूत बनाने का कार्य किया गया। तीसरा गोलकनाथ मामला 1967, इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता तथा फंडामेंटल राइट को मजबूत किया गया। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद द्वारा अनुच्छेद 31 क ख ग यानी क ख के अलावा ग जोड़ा गया और कहा गया कि अनुच्छेद 39 ख ग को केवल 39 ख ग को हवाला देकर अनुच्छेद 14-19 का दावा नहीं कर सकते, अर्थात इसमें DPSP को मजबूत करने की कोशिश की गई। 25वां संविधान संशोधन में संसद ने यह भी कहा कि सभी भागों में संशोधन की व्यवस्था की गई। उस प्रकार जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973, इसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी गई और कहा गया कि गोलकनाथ को फैसला के इतर संशोधन तो कर सकते हैं परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए बिना। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980 में आया, इसमें 25वां संविधान संशोधन के खंड बी को समाप्त करते हुए संशोधन की व्यवस्था को यथावत रहने दिया परंतु बेसिक स्ट्रक्चर की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात को दोहराई गई।
इसमें कहा गया है कि हम मूल अधिकार और डीपीएसपी को अलग करके नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास न कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, अर्थात एक के अलग होने पर गाड़ी नहीं चल सकती। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दोस्तों, अभी यह बॉडी समाप्त हुआ, एक छोटा सा निष्कर्ष देकर इस उत्तर को हम विराम देंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश की संघीय भावना को बरकरार रखते हुए डीपीएसपी और एफआर का अलग नहीं किया जा सकता, अपितु एफआर में निहित बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की ताकत है, अतः इसे अक्षुण्ण रखना होगा। चलिए दोस्तों, यह आंसर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को यह उत्तर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग काफ़ी लाभदायक होगी। चलिए इसी बातों के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।